तो ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। वाह बहुत टेस्टी है। तो आजिला ब्लॉक के महान फुटसोर बा कोहिमा जाला रास्ता दिखाई दी और यू रास्ता तो भल वाला रास्ता को पारे नतून रास्ता चुनद दे महान छुतु करे नहीं जाओ पारे इतना दिखाई दी। तो हम लोग अभी फुटसोर टाउन से जस्ट निकला है और हम लोग कोहिमा जा रहे हैं आज। रास्ता भी नया बना है और बहुत सुंदर जगह है। तो ये लेक्रोमी विलेज है और इसका खासियत क्या है बोलने से, ये आप पूरा पत्थर में लिखा हुआ है, मतलब पत्थर से ये बनाया गया है और यहाँ से आपको ये जो बस्ती है वो सीधा जाने से मिल जाएगा। तो ये सब टैक्सी है जो यहाँ पे आपको मिलेगा। हिल्स में आपको बड़ा गाड़ी जो है बस वगैरह ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा और उसके बदले ये टैक्सी अभी जो किया ये सारा टैक्सी आपको मिलेगा। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर यहाँ पे टैक्सी से होता है। आगे ये स्नो है जो आपको दिखने को मिल रहा है। तो ये क्योंकि जैसे मैंने बोला पहाड़ के पीछे है तो यहाँ पे स्नो अभी भी है, मतलब अभी शाम का टाइम है, पूरा दिन में बहुत धूप था यहाँ पे और आपको यहाँ पे स्नो दिखने को मिल रहा है। आगे मून दिखाई दे रहा होगा, मून दिखे से ना अपने यहाँ कि तो मून ऐसे व्यू भी अपने साइड ऊपर है। जुकेत्सा पहुंचने वाला है जो आपका एक मेन रास्ता बोल सकते हैं, तो वो हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। ये है आपका फुटसोरो विलेज, फुटसोरो टाउन आई मीन। तो ये है जहां से हम लोग अभी वापस कोहिमा जा रहा है। तो ये तो ऐसे फुटसोरो दो और तादेवा महान इतिया उलालास है। अभी पहुंच गए हैं लासुमी विलेज, तुम्हारी इतिया लासुमी विलेज पहुंची से और इतिया पिछली दिली नहीना अंधरा हो जाओ ले ऐसे। तो बहुत जल्दी ही अंधेरा छाने वाला है। Thank you.
आपको ये मिल जाएगा। तो ये भी एक ताइगो इकाला जगह से अपने नहीं तो गुजबेरी के अंदी से जो सेम आगे मुझे देखा निशना सामान दू था ना पैसा की दो पड़े। तो ये तो रास्ता से जो रास्ता महानते जबले से तो ये तो रास्ता उन्हें महानते जबले से तो महान इतिया गुसबेरी अलप छिनी वो अलप दिखी से हम लोग थोड़ा आमला तोड़ते हैं यहाँ पे मिला है और रास्ता ये थोड़ा ख़राब है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गुसबेरी से मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ और वो बहुत काटा है यहाँ पे काटा बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे तो मैं दिखा तो ये है गुसबेरी। तो देखो ये इतना छोटा पेड़ में गुसबेरी और जैसे कि मैंने बताया ये आपका एकदम रास्ते के किनारे पे ऐसे मिल जाता है ये है रास्ता। तो हम लोग इसको थोड़ा तोड़ेंगे और टेस्ट करके देखेंगे तो ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे। वाओ बहुत टेस्टी है 5-6 लेंगे क्योंकि ये जैसे इस गांव का बिलोंग करता है जो भी गांव में ये घासी होता है उन लोगों का होता है उतना तोड़ना है जितना आप खा सको तोड़ के घर ले जाने के लिए मत सोचना आप जितना खा सको उतना ही आपको लेना है अपनी किमन खाओ पर वो इमानी छिनी दीवी गास ना भंगाई ना सोते तू होता साल इनगारो दी वो तो अपने हन जाने अपने हन किमन खाओ पर है। तो यू से आरो गास ते इमाम हट्टा से देखो गास में बहुत सारा है अभी भी बट ये गास को तोड़ना नहीं है ऐसे ही रखना है। बीचों बीच और अभी अंधेरा होने वाला है अंधेरा होने से महान इतिया आप उठे वो इतना तो महान नमी ना इसलिए इतिया तो ब्रिज पार हुआ लोग होते महान ये तो आप होने जा बोले से और महान तो कोहिमा तक इन्हें गए आप होने जा बोले से। से घर एक से और एकदम यू कि कह पहाड़ एकदम मिडिल से तो एक से दूसरा एक घर भी ना तो अपने नीना थे इंटरेस्ट रखे ना रखे अपने नीना थको मन जाए जाए अपने जाना दीबी मैं तो इन्हें बीच थको मन जाए। मैं यही पूछा था कि अभी जो घर दिखाया था मैंने एकदम पहाड़ों के बीचों बीच अकेला घर है यहाँ पे कोई गाँव भी नहीं है और आप लोग ऐसा मतलब रहना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा बताइएगा अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो।
यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता है। यू रास्ता तो बेसि भाला से दे अलोपी बिया हुआ नहीं पुला की ना बनाई से इनगा से। तो आप लोग अगर ये रास्ता लेंगे तो आई एम श्योर यहाँ से जो रास्ता मिलेगा आपको हाफ वे के बाद ये सारा बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। और आप अगर देखेंगे तो ये रास्ता वैसे ख़राब नहीं था हम जिस रास्ते से अभी हम लोग आए हैं। तो आप लोग आने से ये रास्ता से होके आइएगा। आप लोग को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस रास्ते से आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा दिन को निकलेगा। मैं निकला था करीबन आपका 3 बजने वाला था ऐसा टाइम पे निकला था। तो ये थोड़ा विंटर का टाइम पे थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि इस रास्ते में आपको बहुत कम गाड़ी दिखाई देगा, बहुत कम गाड़ी मिलेगा। और गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है तो आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तो अपने हाथ जुदी तो रास्ता में उगले सुगले अपने पारा तक ये तो 3 ला टाइम दे जब भी किले बोले मान ये दिखे गाड़ी भी बेसि कमती है इतना सेम टाइम दे गैरेज तो एक भी दिखी बोले ना तो अपने हाथ पारा तक ये दे आई बोले 3 ला टाइम दे भाला हम मान इतना इतना मेन जगह तो पंचगुले आज यू प्रेयर पार्क कई आज और यू जगह तो अपनी 3 4 जगह कनेक्ट कर अपनी कोहिमा जब लगा अलग अलग जब लगा रास्ता तो यू जंक्शन आज। तो ये जंक्शन जो है यहाँ से आपको सीधा लेना है। तो ये देखा होगा ये रास्ता लेना है और आपका लेफ्ट की तरफ मेरा पीछे की तरफ एक रास्ता जाता है, मेरा राइट की तरफ एक रास्ता है जो अलग अलग जगह जाएंगे। पर हम लोग सीधा आके सीधा रास्ता लेना है, ना लेफ्ट लेना है ना राइट लेना है, सीधा। तो मान आई नहीं तो जंक्शन पर ये तो लेफ्ट भी लोगों ना लाए राइट भी ना बोलाए सीधा रास्ता तो ले लूँगी। तो इधर आपने के एकदम शॉर्ट अपने के तो कोई मैं पूछा ही हाईवे पहुंच गया है और हम लोग अभी कोहिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इधर था इसे फुटसरो बड़ा कोहिमा ला रास्ता इतना तो मान फ्यू किलोमीटर्स आगे जाए कोहिमा टाउन पाए बोले से। तो अपने हाँ रास्ता तो किना लगी से राति बुझी से अलग रिकॉर्डिंग करा दो किलो मान अलग लेट ऊल से और अपने हाँ रास्ता तो आई बिलीव साइना जानी से वो किने का आसे इतना रास्ता सिचुएशन कंडीशन हाँ दो और मान ये ही आज ब्लॉग तो मान खत्म करो मान नेक्स्ट ब्लॉग के और नूतन वीडियो लोग अपने ब्लॉग करो। तो हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। हम लोग खूबसूरत से कोहिमा पहुंच चुका है, अभी 1-2 किलोमीटर आगे जाने से हम लोग को कोहिमा मिलने वाला है। और आप लोगों को ये कैसा लगा ये ब्लॉग, ये रास्ता कैसा लगा हिल जो रास्ता था तो आप लिख के बताइएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में नया वीडियो के साथ नया जगह में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।